हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बच्चों। हेलो गरिमा, हेलो आशीष, और कैसे हैं बेटा? और कैसे हैं बेटा? और गरिमा कैसी हैं? जल्दी से मेरा लिंक शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे क्लास में आ जाएं। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को और ट्यूशन फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिए। आप गरिमा ठीक हैं? चलिए अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए जल्दी से। स्वागत है बच्चों आपका लेट्स क्रैक सीबीएसई क्लास 6 में। बच्चों आपको मालूम है अनअकैडमी लर्निंग जो है ऐप क्यों बना हुआ है? हेलो गुनगुन, और कैसे हो बेटा? क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स आपकी स्टडीज में आपकी हेल्प करते हैं, है ना? आपके जो डाउट्स होते हैं वो आपको क्लियर करते हैं। हाँ बेटा, आज क्विज भी है और आपका आपकी जो बुक है बसंत पुस्तक, उसका एक लेसन मैं समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर गुड क्वालिटी कंटेंट है। बच्चों आपको मेन थिंग, आपको जो प्रॉब्लम होती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि आपका ये वाला आपका क्लास 6 का या 7 का जो भी सिलेबस है ये हमारे क्लास में तो नहीं है मैम, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होती है। आपको अगर यहाँ पर क्लास 6 का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो क्लास 6 के अकॉर्डिंग ही आपको सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाती है। बच्चों जब तक और बच्चे आते हैं क्लास में तब तक मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम पूजा बत्रा है, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड किया है। मेरा 17 इयर्स का हिंदी का एक्सपीरियंस है और मैं यूपीएसएससी के एग्जामिनेशन के लिए बच्चों की तैयारी कराती हूँ और मैं आपको क्लास 6 की हिंदी पढ़ाती हूँ। और आशीष ठीक है बेटा? जिन बच्चों ने बेटा अभी तक लर्निंग ऐप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जो स्पेशल क्लासेस होती है ना उनको आप अटेंड कर सकते हैं और वो बच्चों सबके लिए फ्री होती हैं। और अगर आप बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपके जितने भी डाउट्स होते हैं, आपको सारी क्लास 6 का लेते हैं आप तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी एंड साइंस, सारे सब्जेक्ट के सारे नोट्स जो कि आपके क्लास के अकॉर्डिंग है सब आपको मिलते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस आपकी होती हैं, आपकी क्विज होती है, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो बच्चों कि किस टॉपिक में आप वीक हो। नादान दोस्त बच्चों आपको पसंद है, वही मैं आज पढ़ाऊंगी। तो बच्चों आपकी जो उसमें डाउट होते हैं ना वो आप क्लियर कर सकते हो। तो जल्दी से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। वेरी गुड गरिमा, आपको भी पसंद है। देखिए बच्चों यहाँ पर आपके डिस्कशन आपसे जो भी आपका टॉपिक होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके उसमें टॉपिक में, आप डाउट्स उसके क्लियर कर सकते हैं। और पोल होती है तो आप अपने आप को क्या करते हो, एनालाइज कर सकते हो कि हमारे इतने मार्क्स कम है मैम, हमें ये वाला टॉपिक नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो वो आप पूछ सकते हो। और मेन बच्चों सबसे अच्छी बात है कि आपका कोर्स जो है आपकी क्लास के अकॉर्डिंग है। अगर आपका क्लास 6 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइंस, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस तैयार किया गया है कि आपके अच्छे मार्क्स आ पाए। बच्चों यहाँ पर लाइव टेस्ट जो होते हैं, आप क्विज होती है तो उसमें जैसे स्पेशल क्लासेस में क्या होता है, पोल्स वगैरह होते हैं ना, तो आप क्या करते हो, जैसे मैंने पोल रखा था आज मॉर्निंग में मेरी क्लास थी, तो जिन जो बच्चे जैसे 8th 9th रैंक पर आए तो उनको जो प्रॉब्लम थी, जो डाउट थे, वो बच्चे वो क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। बच्चों आप टॉप एजुकेटर्स में जो आपकी मदद करते हैं, कुणाल किशोर सर, निकिता मैम, सृष्टि मैम, दीक्षा मैम, हुमेरा मैम एंड हिना मैम, ये आपकी स्टडीज में आपकी हेल्प करते हैं। आपको अच्छे से डाउट क्लियर करने में, आपको जो आपका एम है वहां तक पहुंचाने में, ठीक है, आपका गोल जो है उसको अचीव करें। आप 12th के बाद क्या बनना चाहते हो, है ना? तो आपके जो बेसिक्स अगर डाउट क्लियर हो जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चों कॉम्प्रेहेंसिव सिलेबस में यहाँ पर साइंस में 32 कोर्सेस, मैथ्स में 24,
हिंदी में 3 कोर्सेज और सोशल स्टडी में 12 कोर्सेज हैं। आपकी अच्छी सी प्रिपेयरिंग के लिए यहाँ पर एजुकेटर्स क्या करते हैं, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो जल्दी से आप क्या करिए, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और जिन बच्चों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए इसे। बच्चों आप मुझे टेलीग्राम ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हो आप, क्योंकि मैं उसमें सारे लिंक, जो मेरी स्पेशल क्लास होती है और जो मेरी यूट्यूब पर 1 बजे से 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से 7 बजे जो क्लास होती है, मैं उसके लिंक उस पर शेयर करती रहूंगी। बच्चों अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो देखिए 1 मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन केवल 3000 का है और पर मंथ इंस्टॉलमेंट आपकी 3000 है केवल, और 6 मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन केवल 10000 का है बच्चों, और पर मंथ इंस्टॉलमेंट देखिए आपको इसमें 44% डिस्काउंट मिल रहा है, और पर मंथ इंस्टॉलमेंट 1667 है। 15 मंथ का आपका केवल 18000 का है बच्चों, और पर मंथ इंस्टॉलमेंट आपकी 1200 है, और इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है 60%। और इस पे भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड किस किस को मालूम है, आपको याद है ना मेरा रेफरल कोड क्या है, मेरा पूजा 01। अगर वो यूज करते हो आप तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर बच्चों आप 18 मंथ का लेते हैं तो आपका केवल 20000 का, पर मंथ इंस्टॉलमेंट केवल 1111 है, इस पे भी आपको 63% ऑफ मिलता है। तो जल्दी से बच्चों सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अब बच्चों अगर आप इसमें आइकॉनिक का लेते हैं आप, हाँ बेटा आपको याद है मेरा, हेलो प्रमोद और कैसे हैं बेटा, अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बच्चों केवल 17000 का है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट 2833 की है। 15 मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन केवल 32000 का है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट आपकी 2133 की है बेटा, और देखिए आपको 25% डिस्काउंट भी मिलता है। 18 मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन केवल 31% ऑफ करके आपको देखिए कितने का है, 35000, और आपको इस पे डिस्काउंट भी मिल रहा है 31%, और आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट तो बहुत ही कम है 1944। अगर 24 मंथ का आप लेते हैं तो आपकी कितनी है, 48000 है केवल, और आप इसमें क्या करोगे, अगर पर मंथ इंस्टॉलमेंट आप देते हो तो केवल 2000 है आपकी। अब बताइए 2000 में आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी भी करोगे आप, उसके बाद आपको जो आप कभी आप क्लास नहीं अटेंड कर पाते हो बेटा तो आपको पीडीएफ में वो नोट्स अवेलेबल रहेंगे, और लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। और बच्चों अगर मेरा रेफरल कोड आप पूजा 01 यूज करते हो तो उस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो जल्दी से अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो जल्दी से आप ले लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों आज आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत कक्षा 6 के कौन सा लेसन है ये बच्चों, वेरी गुड। चलिए नादान दोस्त, किस किस ने ये पाठ पढ़ा हुआ है और उसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां। चलिए नादान दोस्त किसके आपके एग्जाम में किसके किसके आ चुका है, किसने ये स्टोरी पढ़ी हुई है, किन किन बच्चों ने ये स्टोरी पढ़ी हुई है नादान दोस्त। किन किन बच्चों ने ये पढ़ी हुई है स्टोरी नादान दोस्त, इसमें किसकी कहानी है, कौन कौन बच्चे हैं इसमें, क्या क्या नाम है उनका, कौन बताएगा हमें, तुमने रीड किया बेटा, अच्छा गरिमा बताइए आप कि इसमें कौन कौन से बच्चे हैं, दो बच्चे कौन से बच्चों की कहानी है इसमें, गुनगुन बताइए कौन से बच्चे हैं इसमें, जल्दी बच्चे बताइए सब, अभी आपके लेसन ये एग्जाम में आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो मैं आपको समझाती हूँ ये लेसन, ठीक है। चलिए बच्चों जो अभी आपके टफ वर्ड्स है ना वो आपको पहले मैं बताती हूँ उसके शब्द अर्थ, ठीक है। पहले आप बताइए किसको मालूम है कहानी का अर्थ क्या होता है, फिर मैं आपको स्टोरी पढ़कर इसकी इजी वे में पढ़ाऊंगी। हाँ बेटा वेरी गुड गरिमा, अब इसमें बताइए कानिस का अर्थ किसको मालूम है, कानिस मेरे क्या होता है, आप घर में भी कभी वर्ड यूज होता है ये कानिस,
माइनस मैंने क्या होता है बेटा, किसको मालूम है? हम बताते हैं कार्निस का मतलब क्या होता है बच्चों। जो दीवार होती है ना बाहर, है ना, जो घर के बाहर होती है, दीवार के ऊपर बढ़ा हुआ जो भाग होता है, जो बढ़ा हुआ आगे बढ़ा हुआ भाग होता है, उसको कहते हैं कार्निस। क्या कहते हैं? कार्निस। दीवार के ऊपर बढ़ा हुआ भाग उसको कहते हैं कार्निस। वो याद कर लीजिए बच्चों। अगर आपके एग्जाम में ये लेसन नहीं आया है तो आपसे अगर शब्द अर्थ पूछे जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए कार्निस का मतलब क्या होता है। कार्निस का तो होता है दीवार के ऊपर बढ़ा हुआ भाग। क्या होता है? दीवार के ऊपर बढ़ा हुआ भाग। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और टफ वर्ड कौन से हैं? सुध, है ना। सुध में का अर्थ क्या होता है बच्चों? सुध का अर्थ क्या होता है? किसको किसको मालूम है सुध का अर्थ क्या होता है? गरिमा को मालूम है? जल्दी बताइए सुध का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताइए गरिमा। गरिमा तो सबसे आती क्लास की मॉनिटर हो गई है ना ये। जल्दी बताइए सुध मैंने क्या होता है? सुध का अर्थ होता है बच्चों ध्यान। ध्यान भी ना रहती है ना। जब वो अंडों को देखते थे उनको अपना भी ध्यान नहीं रहता था ना। आप बताइए और कौन सा वर्ड है टफ, इसका अर्थ हम बताएंगे? नहीं बेटा गुनगुन, सुध का अर्थ होता है ध्यान। दूध और जलेबी जब उनकी मम्मी देती थी उनको दूध और जलेबी खाने के लिए भी, तो उसकी भी उनको सुध नहीं रहती, उनका ध्यान ही नहीं रहता था कि मम्मी ने उनको ये भी दिया है, क्योंकि उनका ध्यान तो क्या था? केवल चिड़िया और चिड़िया के अंडों में, है ना। ठीक है बेटा, ये याद कर लीजिए सुध का अर्थ क्या होता है। आगे देखिए शब्द के अर्थ पहले। चलिए बताइए तसल्ली का अर्थ क्या होता है? तसल्ली मैंने क्या होता है बच्चों? किसको मालूम है तसल्ली? गुनगुन को मालूम है? जल्दी बताइए। किसको किसको मालूम है जल्दी बताइए? तसल्ली, मैंने आज तसल्ली दी थी, वो बहुत रो रहा था, मैंने आज तसल्ली दी उसे। रिलीफ, हाँ बेटा शांति, वेरी गुड। क्या होता है? दिलासा, रिलीफ, है ना। तसल्ली मैंने क्या होता है बच्चों? दिलासा, अर्थात रिलीफ उसे कराया ना, तसल्ली दिलाई हमने। अच्छा आगे बताइए ये फुर्र से का क्या अर्थ होता है? बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे। हाँ बेटा दोनों चीज, दोनों आपके सही है, गरिमा का भी सही है और आपका भी सही है, गुनगुन आपका भी सही है। फुर्र से क्या होता है? श्यामा कहती क्यों भैया बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे। फुर्र से का बच्चा होता है तेजी से, शीघ्र से। फुर्र का क्या होता है? तेजी या शीघ्र। क्या होता है? तेजी से। तेजी से या शीघ्र से। क्या होता है? तेजी से या शीघ्र से, जल्दी से। वेरी गुड गरिमा। हाँ बेटा चलिए आगे बताइए गर्व का मतलब क्या होता है? जैसे गर्व से कहता, गर्व मैंने क्या होता है? गर्व मैंने क्या होता है? गर्व का तो आपको मालूम है ना। हाँ गुनगुन ने भी फास्ट दिया, गरिमा ने भी फास्ट आंसर दिया, बहुत जल्दी जल्दी एक ही टाइम पर। जल्दी बताइए गर्व मैंने क्या होता है? घमंड। क्या होता है गर्व मैंने क्या होता है?
घमंड, प्राउड, वेरी गुड गुनगुन। टर्म का अर्थ क्या होता है? घमंड। अच्छा आगे बताइए। अब ये बताइए, केशव इज पेचीदा, पेचीदा का अर्थ क्या होता है? वेरी गुड गरिमा। पेचीदा मैंने क्या होता है? केशव इज पेचीदा सवाल का, पेचीदा क्या होता है? देखिए लाइन पढ़िए, इससे आपको पता चल जाएगा। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। पेचीदा मैंने होता है मुश्किल, डिफिकल्ट। क्या होता है? मुश्किल सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। मुश्किल, वेरी गुड गरिमा। मुश्किल होता है इसका आंसर। पेचीदा मैंने क्या होता है? मुश्किल। अच्छा अब ये जिज्ञासा टफ है। जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है? वेरी गुड गरिमा, वेरी गुड गुनगुन। आप जिज्ञासा का अर्थ बताइए। जिज्ञासा मैंने क्या होता है? जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है बच्चों? कौन बताएगा जिज्ञासा का मतलब? जिज्ञासा मैंने जानने की इच्छा, है ना? जो हमारी जानने की इच्छा होती है उसमें इतनी नाम में इतनी जिज्ञासा थी कि वहां उसका रिजल्ट निकलेगा तो कौन प्रथम आएगा। हाँ बेटा, किसी काम को जानने की इच्छा, जिज्ञासा, हमारे में जानने की इच्छा थी, है ना, जिज्ञासा। अच्छा आप बताइए, अधीर मैंने क्या होता है? अधीर मैंने क्या होता है बच्चों? अधीर उठते थे अंडों को देखने के लिए, वह अधीर उठते थे। हाँ गरिमा, आपने भी आंसर दिया। आपने गरिमा आंसर दिया इसका। जल्दी बताइए, अधीर का अर्थ क्या होता है? अधीर। क्या होता है? अधीर मैंने जिसमें धैर्य ना। अब वो जब देखते थे अंडों को देखने के लिए, उनमें इतनी जिज्ञासा थी कि वो अधीर हो उठते थे, उनके में धैर्य नहीं था। अच्छा आपको नहीं मालूम, जिसमें धैर्य ना हो, अर्थात अधीर उठते थे कि उनमें धैर्य नहीं था, कि वह इतने जिज्ञासु थे कि कैसे हैं अंडे, बच्चे निकले कि नहीं निकले, उन्होंने क्या खाया, ये उनमें क्या था? जिज्ञासा थी। जिसमें अधीर का अर्थ जिसमें धैर्य ना हो, ये बेटा याद कर लीजिए। अभी आपको मैं जब क्वेश्चन पूछूंगी ना तो उसमें है ये बेटा, एक्साइटेड। हाँ बेटा, एक्साइटेड होता है जिज्ञासा। चलिए आगे बताइए जरा। अनुमान मैंने क्या होता है? अनुमान का अर्थ, अनुमान तो सब बता देंगे मेरे बच्चे। अनुमान का अर्थ क्या होता है? उन्होंने अनुमान लगाया। अनुमान का अर्थ क्या होता है? अनुमान मैंने क्या होता है बच्चों? अनुमान मैंने होता है अंदाजा लगाना। उन्होंने अंदाजा लगाया। क्या लगाया बच्चों? अंदाजा लगाया कि अब जो बच्चे जरूर निकल आए होंगे, है ना। तुक्का लगाना, अंदाजा लगाना। वेरी गुड गुनगुन। क्या लगाना? तुक्का लगाना, अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना। गुड। ये चारे का मतलब क्या है? बच्चों के चारे, चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हो गया। चारे के या बच्चों के लिए उनको क्या चाहिए था? चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। क्या होगा बच्चों? जल्दी बताइए, चारे का अर्थ क्या होगा? हाँ खाना, वेरी गुड। चारे मैंने क्या होगा? भोजन यानी खाना। गुड।
इंसेक्ट्स नहीं है बेटा गुनगुन, खाना है ना, जो उनका खाना, चारा मतलब खाना। ठीक है, अब आगे बताइए, मुसीबत का क्या होता है? मुसीबत, इस मुसीबत का अंदाजा नहीं था। जल्दी बताइए किसको मालूम है? प्रॉब्लम, वेरी गुड। मुसीबत मैंने क्या होता है बच्चों? प्रॉब्लम है ना। अच्छा आगे देखिए, अब इसमें कोई टफ वर्ड है जो आपके एग्जाम में आ सकता है? नहीं। आगे देखिए हम, अच्छा तकलीफ का क्या होता है बच्चों? तकलीफ मैंने क्या होता है? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया। तकलीफ का अर्थ क्या होता है? काम की गरिमा, जल्दी बताइए तकलीफ का अर्थ क्या होता है बच्चों? तकलीफ का अर्थ होता है बच्चों कष्ट। क्या होता है? कष्ट की तरफ ना गया। क्या? कष्ट की तरफ ना गया। प्रॉब्लम, तकलीफ मैंने प्रॉब्लम क्या होता है? कष्ट है ना, तकलीफ क्या? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया, अर्थात कष्ट की तरफ। हाँ परेशान। आगे देखिए और कौन सा टफ वर्ड है हमारा? चाहिए। प्रस्ताव का मतलब क्या है बच्चों? प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है? गरिमा आप कहाँ रहते हो जहां पानी बरस है? कहाँ रहते हो आप बेटा? आप कहाँ के हो? आप कहाँ के रहते हो गरिमा? आप कहाँ रहते हो? प्रस्ताव का अर्थ बताइए। प्रस्ताव मैंने क्या होता है बच्चों? सुझाव। प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है बच्चों? सुझाव। ठीक है, प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है? सुझाव, सुझाव देना है ना। प्रस्ताव, हमने प्रस्ताव रखा, सुझाव। चलिए आगे देखते हैं। स्वीकृत मैंने क्या होता है? स्वीकार हो गया। स्वीकृत का क्या अर्थ होता है बच्चों? स्वीकार। स्वीकृत का मतलब स्वीकार। ठीक है, आगे इसमें से कोई टफ वर्ड नहीं है। आगे देखिए कौन सा आता है। उधेड़बुन का अर्थ क्या होता है बच्चों? सुझाव। वेरी गुड गरिमा। जल्दी बताइए उधेड़बुन का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा पहले? देखें उधेड़बुन, अभी मैंने इसके क्वेश्चन आंसर रखे हैं। उधेड़बुन का अर्थ क्या है? उधेड़बुन में रहा यानी सोच विचार में रहा। किसमें? वो सोच विचार कर रहा था। सोच विचार, उधेड़बुन का अर्थ बच्चों सोच विचार। ठीक है, उधेड़बुन इस सोच विचार में रहा था। ठीक है, केशव बड़ी देर तक सोच विचार करता रहा इसमें। अच्छा ये बताइए, सुराख का मतलब क्या होता है? सुराख और हिकमत, दो शब्द हमारे और रह गए। वेरी गुड गुनगुन। सोच, सुराख का मतलब क्या होता है? सुराख तो आपको मालूम है, सुराख है। सुराख का मतलब क्या है? छेद, होल। क्या होता है सुराख का मतलब? छेद, होल है ना। हिकमत का अर्थ क्या होता है? हिकमत,
हिकमत का अर्थ क्या होता है? उपाय। हिकमत का अर्थ क्या होता है बच्चों? उपाय। हाँ गुनगुन, वेरी गुड। क्या होता है? सुरा का अर्थ छेद। क्या होता है बच्चों? छेद। और हिकमत का अर्थ क्या होता है? उपाय। हिकमत का अर्थ याद कर लीजिए, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, अब ये सारे शब्द अर्थ आपको अच्छे से याद हो गए? आपको शब्द अर्थ आपने अर्थ बताए इनके, आप शब्दों के अर्थ आपको अच्छे से याद हो गए ना। चलिए अब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बच्चों किसकी कहानी है? इसमें बच्चों कहानी किसकी है? देखिए किसकी है? चिड़िया की और केशव की, है ना? किसकी है? केशव की है, उसकी बहन श्यामा की है और चिड़िया की है। इसमें क्या बच्चे कहते हैं? केशव के घर कानिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। केशव के घर के जो बाहर चार दीवारी थी, जो ऊपर था छज्जे से निकला हुआ, वहां पर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन दोनों बड़े ध्यान से, मतलब वहां आते जाते देखते रहते थे कि वहां पर चिड़िया ने अंडे दिए। सवेरे दोनों आंख मलते हुए कानिस के सामने पहुंच जाते थे, मतलब छज्जे के बाहर। हाँ बेटा, बर्ड की है और उनके बच्चों की है कहानी, है ना? वो आंखें मलते मलते सुबह जो है पहुंच जाते थे वहां पर कानिस के सामने, और वहां क्या देखते थे कि चिड़ा और चिड़िया दोनों वहां बैठे हैं। वहां पर क्या देखते थे? दोनों बैठे हुए हैं, चिड़ा और चिड़िया दोनों बैठे हुए हैं। लेकिन उनको देखने में दोनों बच्चों को मालूम क्या मजा आता, वो उनको बच्चे जब देखते थे ये दोनों श्यामा और केशव, तो उनको बहुत मजा आता था कि वहां पर दोनों बच्चे बैठे हुए हैं और चिड़ा और चिड़िया बैठे हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि वहां पर जो उनके बच्चे भी हैं। उनकी उत्सुकता क्या थी? उन बच्चों को देखने की कि वो कैसे बड़े हो रहे हैं, अंडे कितने हैं, है ना? उनको ये देखना था। उनके में जिज्ञासा किस चीज की थी बच्चों? कि अंडे कितने हैं, बच्चे कैसे निकलते हैं, कितने बच्चे हैं, क्या खाते होंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, उनको गर्मी तो नहीं लगेगी, अगर धूप निकल रही है तो उनको धूप तो नहीं लगेगी, हम उनको कैसे बचाएं, उनको ये चिंता लगी रहती थी। देखिए अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, अब जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल कर आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, ये सब उनको उनकी जागने की क्या थी? उनकी जानने की जिज्ञासा थी, इच्छा थी। वो बहुत ज्यादा जानना चाहते थे कि बच्चे कैसे निकल रहे हैं। लेकिन इन बातों का जवाब देने के लिए कोई नहीं था। जो उनकी मम्मी थी उनके पास भी घर के जो काम होते हैं उनसे फुर्सत नहीं थी, और उनके बाबूजी उनके पापा को भी पढ़ने लिखने से फुर्सत ही नहीं थी, कि जो वो अगर सवाल पूछते थे कि पापा इसमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, वो कैसे उड़ेंगे या क्या खाएंगे, है ना, ये उसके मम्मी पापा को जवाब देने का टाइम ही नहीं था बेटा। दोनों बच्चे आपस में ही एक दूसरे से पूछते थे और अपने दिल की तसल्ली कर लेते थे, एक दूसरे को दिलासा दे देते थे कि इसमें से बताओ बच्चे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो कैसे उड़ेंगे, धूप निकल रही है तो उनको वो धूप से कैसे बचेंगे। ठीक है, क्या करते थे बच्चों? वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर लेते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। कहती, हम तो देख भी नहीं पाएंगे, हम क्या, बच्चे जब बड़े होंगे वो फुर से उड़कर चले जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। केशव क्या कहता था कि पहले जो है उन चिड़िया के पर निकलेंगे, और जब अगर पर निकल आएंगे तब वो उड़ेंगे, जब पर निकलेंगे नहीं पहले तो वो कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, और चिड़िया जो है वो अपने बच्चों को कैसे खिलाएगी, अब उसमें कितने बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा वो दाना लेकर के आएगी, कैसे सब बच्चों को खिलाएगी, है ना, ये श्यामा पूछती है उससे। केशव इस पेचीदा सवाल का, मुश्किल सवाल का जवाब देते हुए कुछ ना दे सकता था। अब इसको उसके लिए, केशव के लिए क्या था, ये सवाल बहुत कठिन था, वो इसका जवाब कुछ नहीं दे पाता था। इस तरह दिन चार दिन गुजर गए, इस तरह तीन चार दिन निकल गए। दोनों बच्चों की जो इच्छा थी जानने की दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए क्या वो इतने अधीर हो उठे, उनमें इतनी जिज्ञासा थी कि अंडों में से बच्चे निकले कि नहीं निकले, कैसे देखने में हैं बच्चे क्या खाते हैं, ये उनको देखने का बहुत मन था।
बच्चों ने क्या अंदाजा लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। थोड़े दिन बाद, 3-4 दिन बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा कि अब तो बच्चे इसमें से निकल ही आए होंगे। बच्चों के भोजन का सवाल अब उनके सामने खड़ा था कि बच्चे अगर अब निकल आए हैं तो अब उसमें से वो खाएंगे क्या, क्योंकि चिड़िया कितना दाना उनके लिए धीरे धीरे करके लेकर के आएगी, वो बच्चे क्या खाएंगे चिड़िया के, बेचारी चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी, कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे, चारो बच्चे जो है वो भूख से ही मर जाएंगे, क्योंकि बेचारी चिड़िया जो है कितनी बार जाएगी दाना लेकर के आएगी और इतने सारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों जो है बच्चे, कौन, केशव और श्यामा, दोनों घबरा गए। दोनों ने फैसला किया कि कानिस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, जब वहां पर मतलब किसी चीज में अगर हम दाना रख देंगे तो चिड़िया को जाना नहीं पड़ेगा और सब बच्चे उसके खा लेंगे। दोनों ने फैसला किया कि अब कानिस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, अब तो चिड़िया के को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना ही नहीं पड़ेगा, अगर हम वहां पर चारा रख देंगे तो बच्चों वहां पर चिड़िया को कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, वो क्या करेगी, उसके बच्चे वहीं पर खाना खा लेंगे। केशव कहता है, नहीं, तब क्यों जाएगी, जब हम खाना रख देंगे, उसका दाना रख देंगे तो क्यों बाहर जाएगी। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी, अब बच्चे बाहर कानिस पर हैं तो बच्चों बाहर से धूप भी आएगी तो क्या लगेगा, चिड़िया के बच्चों को धूप भी लगेगी, श्यामा ने कहा केशव से। तो क्या करते हैं, केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया, मतलब केशव ने सोचा ही नहीं कि ये बच्चे बाहर है आपकी हमारी कानिस पर तो क्या होगा, वो धूप तो बाहर आएगी तो बच्चों को धूप भी बहुत ज्यादा लगेगी। बोला, जरूर तकलीफ तो हो रही होगी, लेकिन और बेचारे प्यास के मारे भी तड़पते होंगे, क्योंकि पानी कैसे लाएगी चिड़िया, तो उनको प्यास भी लगेगी, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, कोई शेड या कोई छाया नहीं है कि किससे हम कर दें कि बच्चों को बचा दें। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। आखिर श्यामा ने और केशव ने क्या फैसला किया कि जो घोंसले के ऊपर कपड़े की छत, एक चादर लेकर के, है ना, एक कपड़ा लेकर के क्या करें, हम उसपे छत बना देते हैं। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का सुझाव भी उन्होंने स्वीकृत हो गया, मतलब उन्होंने ये सोचा कि हम पहले जो है कपड़े की एक छत बना देते हैं, फिर उसके बाद एक पानी की एक प्याली रख देंगे, जिससे पानी भी वो पी लेंगे और प्यास के कारण नहीं मरेंगे, और थोड़े से चावल किसी चीज में रख देंगे कि चिड़िया को जो बार बार जाना पड़ता है तो वो भी नहीं जाएगी और बच्चे भर पेट जो है खा भी लेंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, दोनों, श्यामा और केशव दोनों काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचा करके माँ से मटके से चावल ले आई। श्यामा ने क्या किया, मटके से चावल लेकर के आ गई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया, जो प्याली का तेल था बच्चों वो चुपके से गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भरा, है ना, पानी भर दिया कि उसमें पानी भर देंगे तो बच्चों को प्यास जो लग रही है उनकी प्यास मिट जाएगी। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं, है ना, अब जो शेड बार करना है, छाया करनी है, अब उसके लिए कपड़ा कहाँ से लाएं। अब दोनों भाई बहन क्या करने लगे, बात करने लगे, कहाँ से लाएंगे अब हम कपड़ा, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, हम जब तक कुछ उसको सपोर्ट नहीं देंगे बेटा तो कैसे कपड़ा रुकेगा, तो छड़ियां कहाँ से लाएं हम। तो उन्होंने क्या कहा, अब हम कहाँ से ये सब लाएंगे। केशव बड़ी देर तक इसी सोच विचार में ना ये सोचता रहा केशव कि हम कैसे क्या करें कि कपड़ा भी लगा दे और हमें उसके लिए छड़ी भी चाहिए। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी, श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ। उसने क्या कहा बच्चों, श्यामा से, एक कूड़ा फेंकने वाली जिसमें टोकरी में कूड़ा फेंकते हैं वो टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना, है ना, मम्मी को मतलब मत दिखाना। श्यामा कहती, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी, मतलब वो बीच से जो है टूट गई है, उसमें से धूप चली जाएगी। तो केशव ने क्या कहा, झुंझला कर बोला, टोकरी तुम ले आओ, उसमें से सुराख जो है, जो छेद है वो हम बंद कर देंगे। हेलो प्रगति, और कैसे हो बेटा, आज आप बहुत लेट हो गए, आज आपकी बुक का लेसन मैं समझा रही हूँ, बसंत पुस्तक का, ठीक है। छेद बंद करने की कोई उपाय निकालेंगे, जो अगर जो टोकरी है वो बीच से टूटी हुई है, तुम ले आओ, मैं उसका कोई ना कोई उपाय निकाल दूंगा। तो श्यामा क्या गई, दौड़कर टोकरी उठा लाई और केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। अब जहां पर वो छेद था ना बच्चों, उसने क्या किया, थोड़ा सा कागज
भर दिया, तो उसे क्या हुआ, वो छेद क्या हो गया, भर गया। और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, एक टहनी उसने ली और टहनी से टिका दिया, उसे सपोर्ट दे दिया उसे बच्चों, कि ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब वैसे ही वो डूब जाएगी, है ना। श्यामा ने बोले, दिल से सोचा भैया कितने चालाक है, मतलब उन्होंने कितना दिमाग लगाया, चालाक का अर्थ बच्चों यहाँ पर क्या है, कितना दिमाग लगाया कि बच्चों को धूप भी थोड़ी सी मिलेगी और क्या बच्चे बच भी जाएंगे। और देखिए बच्चों, अगर धूप ज्यादा लगती है तो प्यास भी लगती है ना, ज्यादा धूप में जाते हैं तो उन लोगों को प्यास लगती है ना। उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद का थी। अब बच्चे क्या करें, आप उनको तो क्या क्या था कि चिड़िया को भूख भी लगी है प्यास भी लगी, उनको ये सब देखना था। तो और क्या हुआ, अम्मा उनकी क्या, मम्मी उनकी सो रही थी, अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, जब तक मम्मी लेटी रही, मम्मी सोई रही उनकी, तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने आंखें बंद कर ली और चुपके से, और जब अम्मा सो गई उनकी तो वो चुपके से उठ गए, चुपके से उठे और धीरे से उन्होंने दरवाजे की चिटकनी खोली, है ना, और बाहर निकल गए, है ना, और अंडे की हिफाजत की तैयारियां करने लगे कि अंडों को हम कैसे हिफाजत करें उनकी, कैसे मतलब सही रखें कि बच्चे उसमें से निकल आए, बच्चे खाना भी खा लें और बच्चे बच्चों के पर भी निकल आए, कैसे हम बचा लें उनको। तो केशव क्या क्या किया, केशव ने क्या किया, कमरे से एक स्टूल लेकर के आया, केशव कमरे से स्टूल लेकर, अब लेकिन क्या किया, उस स्टूल से काम नहीं चल रहा था, तो उसने क्या किया, नीचे एक लाकर नहाने की चौकी रखी, उसके ऊपर स्टूल रखा और डरते डरते वो क्या किया, स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी, स्टूल की चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ रहा था ना बच्चों, वहां पर वो हिल रहा था, उसको भी डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, लेकिन और इसलिए जो है केशव को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही थी, लेकिन दोनों हाथों से कानिस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता कि सही से पकड़ो मैं गिर जाऊंगा वरना, है ना। अब मगर बेचारी जो श्यामा थी उसका तो ध्यान तो ऊपर कानिस पर ही था, उसका क्या था बच्चों, किस पर था, उसका ध्यान तो केवल उस पर था कि बच्चों को कैसे हम बचाएं, कैसे हम देखें, ठीक है। आपको ये कहानी कैसी लगी बच्चों, आज के लिए हम आधी कहानी बताएंगे, नेक्स्ट में हम दूसरी का इसी का आगे का भाग बताएंगे, इसमें से जो मैंने क्वेश्चन बताया ना बेटा चैप्टर नंबर 3, बेटा जो मैंने इसमें से क्वेश्चन बताए ना वो वाले क्वेश्चन है, मुझे बताइए कि कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बताइए, इसमें से जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं देखिए कौन कौन आंसर बताता है। सबसे पहले कहानी कैसी थी बच्चों, अभी इसका सेकेंड वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट और तीसरा वाला दोनों रह गए, इसकी आधी कहानी अब नेक्स्ट मैं क्लास में बताऊंगी आपको, ठीक है, वो वाली भी रिपीट कर दूंगी और नेक्स्ट मैं आगे बताऊंगी। अब बताइए हिकमत कांत, मैंने बताया था हिकमत कांत किसको मालूम है, गरिमा, गुनगुन और जितने मेरे बच्चे क्लास में है कौन बताएगा, हिकमत कांत क्या होता है बच्चों, किसको मालूम है, उपाय होता है कि हिम्मत होता है। देखिए मेरे कौन से बच्चे ने सही से पढ़ाई की है, किसको मालूम है, गुनगुन ने बहुत अच्छे से समझा, वेरी गुड गुनगुन, क्या है हमारा हिकमत का अर्थ, उपाय है ना, गुड। अच्छा बताइए अंडे गंदे क्यों हुए, अंडे गंदे हो गए थे ना, अब बताइए हवा चलने के कारण कि छू लेने के कारण, जब वो ऊपर चढ़े थे तो अंडे जो है गंदे हो गए थे, क्यों गंदे हुए थे, हवा चल रही थी या उन लोगों ने छू लिया था, केशव ने छुआ था इसलिए, आपने ये लेसन पढ़ा हुआ है ना, आपने कहा जल्दी बताइए किसको किसको मालूम है, अंडे क्यों गंदे हुए थे, हवा चलने के कारण, क्यों गंदे हुए थे बच्चों, कि छू लेने के कारण,
इसलिए बच्चों गंदे हुए थे, चू लेने के कारण। जब अंडे केशव ने चुए ना तो क्या हुए, अंडे गंदे हो गए। ठीक है, आप बताइए नादान दोस्त पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद। कौन है बच्चों? प्रेमचंद। वेरी गुड गुनगुन, इसका सेकंड वाले का आंसर खा वाला है। ठीक है बच्चों, ने अंडे किस पर रखे थे? बच्चों ने अंडे किस पर रखे? हरी घास पर की पुरानी धोती पर? आपने पूरी कहानी पढ़ी हुई है ना, जल्दी बताइए बच्चों ने अंडे किस पर रखे थे? आपकी हाफ फेली एग्जाम में आई थी। हाँ बेटा, वेरी गुड गुनगुन, आपका ये पढ़ा हुआ है, पुरानी धोती के ऊपर रखे थे। किस पर? पुरानी धोती के ऊपर। अच्छा, केशव के पिताजी कहाँ गए थे? दफ्तर गए थे कि शहर गए थे? जल्दी से और बच्चों को भी लिंक शेयर कर दीजिए कि और बच्चे कहाँ हैं, और बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं। जल्दी बताइए केशव के पिताजी कहाँ गए थे? केवल गुनगुन ने समझा है लेसन। कहाँ गए थे? दफ्तर गए थे। केशव के पिताजी कहाँ गए थे? वो दफ्तर गए थे। और मम्मी क्या करती थी? मम्मी घर के काम में बिजी थी, है ना। नेक्स्ट बताइए, केशव की बहन का क्या नाम था? श्यामा की मोहिनी। केशव की बहन का क्या नाम था? श्यामा था कि मोहिनी था? वेरी गुड बेटा, क्या नाम था? श्यामा। अब ये बताइए, केशव और श्यामा ने चिड़िया के चिड़ियों को खाने के लिए क्या दिया? चावल दिए कि जौ दिया? वो कटोरी लेकर आए थे ना, और किस चीज के दाने लेकर के आए थे? जब वो मम्मी सो रही थी, मम्मी सो रही थी तो वो क्या लेकर के आए थे? श्यामा क्या लेकर आई थी? चावल लेकर आई थी कि जौ लेकर आई थी? वेरी गुड गुनगुन, क्या लेकर आई थी? वो चावल लेकर आई थी। अच्छा, बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा थी चिड़िया को उड़ाने की कि अंडों को देखने की? वो क्या देखना चाहते थे कि अंडे देखे कैसे हैं, बच्चों के पर निकले या नहीं निकले, वो कैसे उड़ेंगे, है ना। क्या चिड़िया को उड़ाने की, कि वो चाहते थे कि हम चिड़िया को उड़ा दें? अंडों को देखने की। वेरी गुड गुनगुन, तसल्ली शब्द का क्या अर्थ होता है? किसको किसको मालूम है तसल्ली शब्द का क्या अर्थ होता है? मैंने भी तसल्ली का अर्थ बताया आपको, तसल्ली का अर्थ क्या होता है जल्दी बताइए। तसल्ली मैंने शीघ्र ही की दिलासा। राम के फेल हो जाने पर मोहन ने उसे तसल्ली दी, क्या दिया? गुनगुन सुनिए, राम के फेल हो जाने पर मोहन ने उसे तसल्ली दी, क्या दिया? शीघ्र ही की दिलासा। क्या दिया बच्चों? दिलासा। क्या दिया? दिलासा दिए। समय का क्या होगा बच्चों? नाइन्थ का खा। पेचीदा शब्द का क्या अर्थ होता है? मुश्किल की जल्दी ही। पेचीदा शब्द का क्या अर्थ है? मुश्किल जल्दी ही। इसको किसको मालूम है जल्दी बताइए। पेचीदा क्या होता है बच्चों? मुश्किल। क्या होता है बेटा पेचीदा? मैंने मुश्किल, याद कर लीजिए, ये जो है आपके उस टेस्ट में आ सकता है। अगर एग्जाम में नहीं लेसन नहीं आया तो पेचीदा शब्द आता है बच्चों, क्या होगा? मुश्किल। आप बताइए हिकमत मैंने क्या होता है? हिकमत का क्या होता है? अभी मैंने हिकमत बताया आपके में, हिकमत भी बहुत ज्यादा आता है। हिकमत, हिकमत का अर्थ किसको मालूम है जल्दी बताइए? जितने बच्चे क्लास में, जल्दी जल्दी बताइए।
हिकमत का अर्थ क्या होता है बच्चों? किसको किसको मालूम है हिकमत? अभी मैंने शब्दों के अर्थ बताए आपको, जल्दी जल्दी बताइए किसको किसको मालूम है। हिकमत का क्या अर्थ होता है बच्चों? एग्जाम में आता भी है हिकमत का। उपाय क्या होता है बच्चों? हिकमत का उपाय होता है, ये याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। अब चाव मैंने क्या होता है? चाव का मैंने आपको नहीं बताया था, चाव का आप बताइए। चाव मैंने क्या होता है? चाव मैंने क्या होता है? चाव का अर्थ क्या होता है जल्दी बताइए, किसको किसको मालूम है? चाव तो आपको आता होगा, मोस्टली सब बच्चों को आता होगा चाव। चाव का अर्थ किसको मालूम है? चाव का अर्थ होता है शौक। नहीं बेटा, चाव मैंने चावल नहीं होता है गुनगुन। चाव का क्या अर्थ होता है बच्चों? शौक होता है बेटा। क्या होता है चाव का अर्थ? उसका चाव है, उसकी रुचि, शौक है ना, उसका शौक है, उसकी रुचि है, उसमें रुचि को कहते हैं चाव। चावल नहीं कहते है, ठीक है गुनगुन? राइस नहीं कहते है। आप समझ में आया? आप शुद्ध का अर्थ बताइए। शुद्ध का अर्थ क्या होता है? शुद्ध शुद्ध मैंने क्या होता है? ये आपके शब्दार्थ एग्जाम में आ सकते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। शुद्ध का अर्थ क्या होता है? अब इसका मैं अभ्यास कार्य कराऊंगी, जो आधा लेसन मेरा हाफ रह गया है वो आपको समझा करके उसमें से एक्सरसाइजेस कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर तैयार कराऊंगी आपके, ठीक है? शुद्ध का अर्थ क्या होता है? शुद्ध मैंने ध्यान, क्या होता है बच्चों? ध्यान। शुद्ध लगी थी क्योंकि केशव और उसकी तो क्या श्यामा की शुद्ध लगी हुई थी, उनका ध्यान तो इसी में लगा हुआ था। जब मम्मी ने उनकी नाश्ता दिया, जलेबी दूध दी, तो क्या हुआ? उनकी शुद्ध तो उसी में लगी हुई थी कि चिड़िया ने जो अंडे दिए हैं वो बच्चे कैसे हैं, बच्चे उड़ पाएंगे या नहीं, किस रंग के हैं, उनका ध्यान तो उसी में लगा हुआ था ना। ध्यान। वेरी गुड गुड गुड, अच्छे से समझ में आया सबको? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो अगर बच्चों आपको समझ में आया हो, अच्छे समझ में आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलती रहे। और बच्चों मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर स्पेशल क्लास होती है 11 बजे से 12 बजे तक, मेरी परसों है, वो जरूर अटेंड करिएगा। रोज मेरी क्लासेस 1 बजे से 2 बजे, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक होती है, तो उनको आप जरूर अटेंड किया करिए, क्योंकि आपके वो जो हिंदी व्याकरण, बाय बेटा, जो आपकी हिंदी व्याकरण है ना वो आपका बेसिक से अच्छे से तैयार हो जाएगा। बच्चों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड सबको याद है ना? क्या है मेरा रेफरल कोड? पूजा 01। आप तो आपको याद हो गया, आप तो मुझे लिखकर बताते हैं, हाँ मैम ये है मेरा, तो उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके बेटा, बाय बेटा।